आई ओके तो हमें बताना है कि हम जो सेपरेशन है मेरा ऑब्जेक्ट का और आई का वो हमें फाइंड आउट करना है और सेकेंड में लिखा है ए स्मॉल टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ द फोकल लेंथ 150 सेंटीमीटर और जो छोटा सा टेलीस्कोप है जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसका फोकल लेंथ दिया है वन सेंटीमीटर एंड द आई पीस ऑफ द फोकल लेंथ फाइव सेंटीमीटर ओके और आई पीस का जो फोकल लेंथ दिया है वो 5 सेंटीमीटर दिया है वॉट इज द मैग्नीफाइंग ऑफ द टेलीस्कोप फॉर व्यूविंग द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ऑन द नॉर्मल एडजस्टमेंट ओके तो बताना है कि जो मैग्नीफाइंग होगा टेलीस्कोप का जो डिस्टेंस होगा नॉर्मल एडजस्टमेंट कितना होगा ओके इफ दिस टेलीस्कोप इज यूज टू व्यू ए हंड्रेड मीटर टोल टावर थ्री किलोमीटर अवे वॉट इज द हाइट ऑफ द इमेज ऑफ द टावर फॉर्म थ्री किलोमीटर अवे ओके ये बताना है और व्हाट इज द व्हाट इज द हाइट ऑफ द इमेज ऑफ द टावर फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस ओके और हाइट बताना है कि टावर का इमेज का ऑब्जेक्टिव लेंस से कितना होगा ओके okay? तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं यहाँ पे हमें दिया है क्या क्या एफ ई दिया है एफ ई दिया है मुझे फाइव सेंटीमीटर फोकल लेंथ हो फाइव पीस ये वो दिया है मुझे फाइव सेंटीमीटर ओके और फोकल लेंथ क्या है वो है वन पॉइंट टू फाइव सेंटीमीटर ओके और मैग्नीफाइंग जो दिया है वो कितना दिया है थर्टी ओके okay. यहाँ पे एल हमें फाइंड आउट करना है ओके की सेपरेशन ओके अब देखो मैग्नीफाइंग का जो यहाँ पे कौन सा है ये ये है मेरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप उसमें क्या फॉर्मूला होता है एम स्क्ल टू उसका फॉर्मूला होता है एल अपॉन एफ ओ इज इक्वल टू वन प्लस वो होता है डी अपॉन एफ ई तो डी ओ पी ओके अब देखो यहाँ पे क्या क्या दिया था मुझे एफ एम का वैल्यू दिया था थर्टी ओके okay. और एल मुझे बताना था एफ ओ कितना दिया था वन पॉइंट टू फाइव ओके और ये कितना आ जाएगा वन प्लस डिस्टेंस कितना दिया था ट्वेंटी फाइव और ये कितना दिया था फाइव ओके okay. तो यहाँ पे देखो ये जो एल का वैल्यू आ जाएगा मेरा यहाँ से एल का वो आ जाएगा कितना थर्टी इंटू वन पॉइंट टू फाइव अपॉन में सिक्स ओके अब देखो इसको अगर मैं सोल्व करता हूँ तो ये आ गया ओके okay. एल का वैल्यू यहाँ से अब क्या होगा आउट गिवन है मुझे एफ ओ दूसरे वाले केस में वो दिया है वन फिफ्टी ओके और एफ ई का वैल्यू दिया है फाइव सेंटीमीटर ये दिया है और देखो जो फाइनल इमेज कहाँ बनती है इन्फिनी पे वैन फाइनल इमेज इज एट इन्फिनिटी वैन फाइनल इमेज इज एट इन्फिनिटी तो मैग्निफाइन जो पावर होगी एम कैपिटल एम वो हो जाएगा किसके कल माइनस का एफ ओ अपॉन एफ ई के इक्वल ओके तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा माइनस का 150 और एफ ई e कितना है 5 तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 30 जो मैग्नीफाइंग पावर आएगी वो कितने आएगी माइनस का 30 ओके okay. अब देखो नेगेटिव साइन क्या सो सो कर रहा है यहाँ पे कि इमेज जो है वो कैसी बन रही है मेरी इन्वर्टेड ओके okay. तो निगेटिव साइन नेगेटिव साइन सोज द इमेज इज इन्वर्टेड ओके इन्वर्टेड इमेज बन रही है ओके okay. अब देखो यहाँ पे हमें दिया है कि जो टावर है उसकी हाइट ए बी है लेट कर लो यहाँ पे लेट हाइट ऑफ द टावर

जो कैपिटल एच हो जाएगा हाइट ऑफ ओके एच अपॉन यू इज इक्वल टू एच अपॉन एच वन अपॉन वो आ जाएगा मेरा बी ओके okay, तो यहाँ से देखो ये कितना आ जाएगा हाइट ऑफ इमेज फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव एच वन का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा कैपिटल एच अपॉन यू इंटू बी ओके फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ से अब देखो यहाँ से जो कैपिटल एच है वो मुझे दिया है कितना हंड्रेड मीटर ओके और यू वो दिया था थ्री किलोमीटर ओके मतलब कि थ्री थाउजेंड मीटर ओके अब यहाँ से जो डिस्टेंस होगी ऑब्जेक्ट की वो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट वो कितना हो जाएगा मेरा वी उसकी फोकल लेंथ के जस्ट नीली इक्वल हो जाएगा एफ ओ के वो कितना है 150 सेंटीमीटर के इक्वल है ओके मतलब कि अगर मीटर में कन्वर्ट करना चाहूँ इसको तो ये आ जाएगा 1.50 मीटर ओके और यहाँ से h1 वन मुझे पता है एच कैपिटल एच अपॉन यू इन एफ ओ के इक्वल लिख सकता हूँ क्योंकि वी इक्वल है एफ ओ के इक्वल है तो यहाँ से एच वन जो आ जाएगा वो आ जाएगा मेरा यहाँ से हंड्रेड अपॉन U यू ये आ जाएगा थ्री थाउजेंड इंटू एफ ओ ये निकाला ही है मतलब कि कितना है एफ ओ एफ ओ है मेरा ये देखो एफ ओ है यहाँ पे मेरा वन पॉइंट फाइव जीरो ओके तो यहां से एच वन जो आ जाएगा सोल्व करने पे तो एच वन आ जाएगा इसको अगर मैं सोल्व करता हूं तो ये आ रहा है मेरा मीटर ओके okay. तो ये मेरा आंसर हो जाएगा ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग क्लास सिक्स ट्वेल्व से लेकर नीट आई आई टी जे मीनस और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज डाउनलोड करें डाउट नेट या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर